तुमने कल रात मेरी शर्ट प्रेस नहीं की, अब मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊंगा? सॉरी करण, वो मैं भूल गई। तुम्हारा ना एक ही काम है, घर में रहना और घर के काम संभालना। अब अगर तुमसे ये भी नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? करण, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर भी घर के सारे काम संभाल रही हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, और मेरा तो हाथ बटाने वाला भी कोई नहीं है। और क्या हो गया अगर मैंने ये शर्ट प्रेस नहीं करी? तुम कोई और पहन लो ना। दुनिया में ना सभी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, पर सब तुम्हारी तरह प्रेगनेंसी का बहाना बना के काम चोरी नहीं करती। करण, तुम्हें शायद एहसास नहीं है, कल से बहुत तकलीफ है मुझे, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे ना तुम्हारे और बहाने नहीं सुनने, ऑफिस तो मैं यही शर्ट पहन के जाऊंगा। ये शर्ट लो और अंदर जाके प्रेस करो, 5 मिनट में चाहिए मुझे। पर करण, हेलो। हाँ सुनो। हाँ। मेरे ना आज कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं घर पे डिनर के लिए, तो उनके लिए खाना बना के रेडी रखना। ठीक है करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। तुम ना आज ऑफिस से जल्दी आ जाओ, मुझे काफी दिन से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक बार डॉक्टर के पास चल लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं। नहीं मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, मुझे आज ऑफिस में काम है, और वैसे भी आज तो मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो आज तो पॉसिबल नहीं होगा। मैं काम करता हूँ, कल की तुम्हारी अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा, चली जाना कैब करके। मेरा तो कल भी मुश्किल है, मीटिंग है मेरी। करण, इस बच्चे के लिए और मेरे लिए तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? छप देखो, ऑफिस ऑफिस ऑफिस। यार तुम हर बात पे इतना ओवररिएक्ट क्यों करती हो? और देखो अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। और हाँ, खाना रेडी रखना। अरे भाभी, बेहोश पड़ी। अरे भाभी क्या हुआ, उठो। भाभी भाभी ठीक हो आप? हाँ। क्या हुआ, आप बेहोश कैसे हो गई थी? वो आप लोग आज आने वाले थे ना, इसलिए आप सबके लिए खाना बना रही थी। सुबह से किचन में काम कर रही थी, बहुत थक गई थी शायद, इसीलिए मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। ख्याल रखा करो आप। क्या हुआ? यार जब मैं अंदर आया तो भाभी बेहोश पड़ी थी, अभी मैंने उठा के बिठाया, पानी दिया तो थोड़ा होश आया। और एक बात बता, तू हम लोगों का खाना भाभी से बनवा रहा था? हाँ। जो जरा भी अकल है कि नहीं, वो प्रेग्नेंट है बेचारी, तू 10 लोगों का खाना उनसे बनवा रहा है? तुझे अपनी बीवी और होने वाले बच्चों का ख्याल है कि नहीं है? जरा भी प्यार करता कि नहीं करता उनसे तू? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, अपनी गलती सुधार और उनका ख्याल रख। रिद्धिमा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस हालत में सपोर्ट करने से तो रहा, ऊपर से तुम पे हुकुम चलाया जा रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, I promise, मैं तुम्हारा खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। मैं really sorry. It's okay, girl. It's okay.
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.